हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कीवी का जूस जो मैं ले आया था, तो मैंने सोचा लेट्स मेक ए रिव्यू वीडियो अबाउट इट। आई विल बी टेलिंग यू, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या हैं, इसमें टेस्ट कैसा है। आई विल बी गिविंग द ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट एंड हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ दिस, यू कैन गेट इट, बट स्टिल मैं इसमें रिव्यू में ये भी बताऊँगा कि इसका प्राइस कितना है, इसका टेस्ट कैसा है, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और वो सारे जो फीचर्स इसमें हैं वो सारे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो एनर्जी इसमें 40 किलो कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 11 ग्राम है और टोटल शुगर 10 ग्राम्स, प्रोटीन 0.2 ग्राम्स, टोटल फैट 0, विटामिन सी 14.78 मिलीग्राम्स है और सोडियम 5.02 mg। और इंग्रेडिएंट्स इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वाटर है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड कीवी जूस, केन शुगर और एसिड रेगुलेटर्स और वेजिटेबल बेस्ड स्टेबलाइजर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स, हाँ, और कंटेन नेचुरल कलर और एडिड फ्लेवर जो सब में होता ही है, पास्चराइज्ड और होमोजेनियस, पता नहीं वो सब क्या हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। वैसे तो मैंने इसको टेस्ट किया बट स्टिल मैं आपके लिए इसमें थोड़ा सा टेस्ट करके आपको फिर से बताऊँगा और थोड़ा मैं फिर से इसको इसके टेस्ट को मैं फिर से रिमाइंड करके आपको रियल सिचुएशन बताऊंगा। इसके गिलास, इसका जूस, इसका गिलास, बिस्मिल्लाह। तो अभी मैंने इसको टेस्ट किया तो टेस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। कलर, वैसे पहले आप कलर देख लीजिए, इसमें कलर तो कीवी जैसा ही है, मतलब जैसे कीवी का होता है ग्रीन कलर, कलर वैसा ही है। और टेस्ट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि टेस्ट भी अच्छा ही है, शुगरी शुगरी और थोड़ा सा स्मेल भी कीवी जैसी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक जो फीलिंग होती है, लाइक जिस तरह हम बाकी जूसेस की बात करें, लाइक रानी जूस या फिर बाकी जो माजा स्टार्टिंग में मैंगो वाले अच्छे अच्छे फ्लेवर जैसे फील होता था कि हम मैंगो खा रहे हैं, वो चीज़ इसमें नहीं है। मतलब काफ़ी पानी पानी जैसा है ये, आप देख सकते हैं वैसे भी। तो ज़्यादा इसमें वो विस्कस भी नहीं है कि मतलब इंसान को मज़ा आ जाए बिल्कुल पीने में। दैट मीन्स वो फ्लेवर, मतलब वो जो फीलिंग है वो रियल नेचुरल ऑर्गेनिक और वो सारे जो पल्पी वगैरह वो सब, ये सब जो बहुत सारे जूसेस में आते हैं, फिर बाद में नहीं पता कि वो असली होते हैं, नकली होते हैं, क्या होते हैं, बट वो चीज़ इसमें नहीं है। ये बिल्कुल वाटर की तरह है, मतलब ये बिल्कुल वाटर की तरह है, सीधे पी लो। और इस पे लिखा है कि विद इन 15 डेज इसको ख़त्म करना है, मतलब 15 डेज के अंदर अंदर इसको पी लो, इस पे लिखा हुआ है। तो अब हम रेटिंग की बात करेंगे कि हम, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसे कितना रेट करूँगा। तो आउट ऑफ 10 में इस नेचुरल कीवी जूस को 7 पॉइंट्स दूंगा और मैं उसमें से क्रेडिट 3 जो है, 3 पॉइंट्स जो हैं वो मैं जूस को दे दूंगा, क्योंकि इसमें बाकी सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और वो सब वगैरह, और बाकी जितना है वो इसका गिलास और इसकी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी, और बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं इसके हैं 3 और बाकी सारे इसके हैं जितने भी बच गए। तो अगर आप मेरी मानेंगे तो बेहतर ये है कि आप लोग गिलास बॉटल का ये जो ये है इसमें ना जाएं, बेहतर ये है कि अपना एक बाहर से सीधे फ्रूट ले आओ, कीवी या कोई भी फ्रूट ले आओ, सीधे अपना ग्राइंडर से बना लो या जूसर जो भी आपके पास है उससे जूस निकाल के पी लो। क्योंकि एक जो इसमें लिखा हुआ था मैं आपको बता दूँ, एसिड रेगुलेटर्स लिटरली, मतलब जब मैंने ये पिया था, दिस इज़ माई ओपिनियन, आई एम नॉट डिफेमिंग दिस कंपनी, जब मैंने ये पिया था कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ी एसिडिटी खुद फील हुई,
मुझे नहीं पता क्यों। तो वैसे भी मैं ज़्यादा मतलब प्रेफर नहीं करता ये जूसेस वगैरह बहुत टाइम से, बट अब थोड़ा बहुत कभी कभी पी लेते हैं। तो मुझे भी थोड़ा बहुत इसमें एसिडिटी, मतलब बाद में एसिडिटी फील हुई, लाइक बर्ब्स आने लग गए। अगर आपने इस नेचुरल जूस को पिया है तो आप अपनी रेटिंग कितनी देंगे वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।